हेलो हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग। राम राम, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल भाई सभी को जी। विकास, रोनी, अन्नू, अमित, विकास चौधरी, कैसे हैं? वॉइस वीडियो कैसे, एक बार चेक करके बताइए। वॉइस वीडियो बताइए भाई, वॉइस ठीक है क्या, वीडियो ठीक है क्या? प्रणाम भाई, प्रणाम विकास, प्रणाम प्रणाम, राम राम, जय हिंद भाई। हाँ, जय माता दी भाई। गीता जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, प्रणाम 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 भाई। एजुकेशन हब, संजीवनी एजुकेशन हब भी जुड़ गए हैं भाई, अपने साइंस और ज्योग्राफी के धुरंधर इस पे, इस चैनल पे क्लास देते हैं। संजीवनी एजुकेशन हब 47 शायद नाम है इनका चैनल का, तो आप फॉलो कर सकते हैं जी। गुड इवनिंग भाई, बहुत बहुत थिंग्स आर ओके जी। मोनिका, समीना रानी, संदीप, गुड इवनिंग भाई सभी को। करते हैं शुरू आज की क्लास, पार्ट टू है, ठीक है ना? पार्ट टू है आज अपना, सेकंड पार्ट पढ़ेंगे आज, यानी कि टॉप एमसीक्यू जो हम पढ़ रहे हैं, दो किताबों से, तीन किताबों से जो हम एमसीक्यू पढ़ रहे हैं, उनमें से टॉप 50 एमसीक्यू लेकर आज सेकंड पार्ट लेकर आपके सामने हैं। सेकंड पार्ट के एमसीक्यू आज पढ़ेंगे और एक्सप्लेनेशन देखेंगे उनके, ठीक है ना? जो नया, बिल्कुल कोई नया जुड़ता है तो लाभ सिंह नैन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, कंप्यूटर विद लाभ सिंह नैन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, लेटेस्ट अपडेट के लिए, ठीक है ना? कंप्यूटर विद लाभ सिंह नैन के नाम से है टेलीग्राम चैनल, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो आइए करते हैं शुरू अपना काम, ठीक है? देखो भाई, सबसे पहले तो एक सूचना दे दूं मैं आपको, ये अपने अभिमन्यु सर हैं, अभिमन्यु सर हैं। देखो, मुझे भी अभिमन्यु नहीं लिखना आता, तो मुझे जो है इनकी क्लास जो है अटेंड करनी पड़ी। अभिमन्यु कैसे लिखेंगे भाई, इन्होंने लिखा होगा शायद अभिमन्यु, अभिमन्यु शायद ऐसे लिखेंगे। सीखना पड़ेगा भाई, शास्त्री जी से ही सीखना पड़ेगा। तो ये अपने अभिमन्यु सर हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हिंदी के धुरंधर हैं। विजयरथ बैच इनका आ रहा है, विजयरथ बैच है इनका। कल LISO लीशो लीशो पे बैच आ रहा है। LISO लीशो के नाम से ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो LISO के नाम से, लीशो के नाम से ऐप मिलेगी गूगल प्ले स्टोर से। 149, मात्र 149 रुपये में जो इनका बैच आ रहा है, हिंदी स्पेशल के लिए बैच आ रहा है। और ये बैच जो है बहुत सारी चीज़ों में हेल्पफुल रहने वाला है भाई, बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करेगा आपका, चाहे वो HSSC है, SSL है, CHSL है, MTS है, STAT, CTAT, PRT, TGT, CET, जहाँ पे आपका थ्रेटिकल पार्ट आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, डिस्क्रिप्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में, जहाँ लिखना आता है उसको हिंदी में पता नहीं मुझे, तो क्या बोलते हैं शास्त्री जी से पूछना पड़ेगा, जहाँ लिखना आता है जैसे लेटर वगैरह, पत्र वगैरह लिखते हैं, वो भी ये सर जो है आपको करवाने वाले हैं, ठीक है ना? तो बहुत ही ज़बरदस्त आपकी हिंदी क्लास यहाँ रहने वाली है। मैं भी शुरू करूँगा, आप मेरे साथ शुरू कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी आपके साथ, शेयर करना था अभिमन्यु सर के बारे में, ये जानकारी थी। LISO के नाम से ऐप है जो, उस पर ये स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? करते हैं शुरू, पहला एमसीक्यू भाई, ठीक है? फर्स्ट एमसीक्यू जो है स्टार्ट कर देते हैं, पहला एमसीक्यू बिल्कुल, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द टर्म पीसीज। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। डॉक्टर पंकज कई दिन में दिखा भाई, राम राम, राम राम भाई। डॉक्टर पंकज, पूनम सुभाष, गुरु जी, राम राम। रितु, राम राम। जस्सी नैन, राम राम भाई। बलवान सिंह, राम राम भाई, सॉरी भजन सिंह। अनिल भाकर, राम राम। मोनिका, डिस्क्रिप्टिव होता है जी, डिस्क्रिप्टिव तो होता है, मतलब हिंदी में क्या होता है मुझे नहीं पता, वर्णनात्मक बोलते होंगे उसको हिंदी में। राम राम भाई दीपक, राम राम। देखिए उस क्वेश्चन की तरफ, इस क्वेश्चन को देखियो, कंप्यूटर एक्सप्रेस, कंप्यूटर अनुदेशक का बैच, देखते हैं देखते हैं देखते हैं। आइयो इस क्वेश्चन की तरफ, आइयो एक बार, अरे हो गई, राम राम, क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ टर्म पीसी। पीसी इनमें से कौन सा है, इंडिपेंडेंट कंप्यूटर जो सभी वर्किंग स्टाफ के लिए होता है वो होता है, या पर्सनल कंप्यूटर जो
आम तौर पर जाना जाता है इंडिविजुअल वर्कर के लिए, जैसे कि विच दे कैन एक्सेस इन्फॉर्मेशन, जिसकी सहायता से इन्फॉर्मेशन एक्सेस करके फ्रॉम लेयर सिस्टम, किसी भी लेयर सिस्टम से, और इंक्रीज कर सके देयर पर्सनल प्रोडक्टिविटी, अपनी पर्सनल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके। या फिर पैक्ड कंप्यूटर होते हैं जो फॉर्म्ड होते हैं बाय जॉइनिंग टुगेदर, एक दूसरे को जोड़ करके। या कंप्यूटर मैन्युफैक्चर्ड होता है बाय पेंटियम कंपनी के द्वारा, कौन सा होता है इनमें से? तो इनमें से अगर मैं आपको सही बताऊंगा और क्या गलत बताऊंगा, देखो इनमें से कौन सा होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है। क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर होता है, जो पीसी होता है वो क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है, जिसकी सहायता से पर्सनल की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की जा सकती है, ठीक है ना। सेकंड यानी कि बी इज राइट आंसर। किस किस का ठीक था ये क्वेश्चन? ज़्यादा बड़ी स्टेटमेंट देख के घबरा गए मेरे ख्याल से। किस किस का ठीक था कमेंट करके बताना एक बार, ज़्यादा बड़ी स्टेटमेंट देखी और घबरा गए। अगला क्वेश्चन आ जाओ। Which of the following is a small microprocessor based computer designed to be used by one person at a time? Microprocessor based computer designed to be used one person at a time, एक व्यक्ति के लिए बनाया गया microprocessor based है, कौन से वाला कंप्यूटर है बताएं भाई, कौन से वाला कंप्यूटर है? प्रणाम भाई, प्रणाम संजीव, प्रणाम, बताएं भाई कौन सा है। ऑप्शन इन हिंदी प्लीज, सैम कह रहे हैं ऑप्शन हिंदी में ले आओ सर। अरे ऑप्शन नोटबुक को नोटबुक ही लिखेंगे, सुपर कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर ही लिखेंगे, ऑल इन वन को, चलो ऑल इन वन को सब एक लिख देंगे, नोटबुक पर्सनल कंप्यूटर हिंदी में ही होंगे। वो लंबी स्टेटमेंट जो होती है वो हिंदी में ले आया करेंगे आज के बाद, ठीक है ना। वो लंबी जो स्टेटमेंट होती है वो हिंदी में ले आया करेंगे। इसको क्या बोलोगे, माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड पर्सनल कंप्यूटर जो होते हैं इसको क्या बोलोगे आप? पर्सनल कंप्यूटर जो होते हैं, माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड जो होते हैं और पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, उनको क्या बोलोगे? ऑप्शन आ रहा है पर्सनल, ऑप्शन आ रहा है पर्सनल। जो जुड़ गए हैं लाइक और शेयर का देख लेना भाई, ठीक है ना। क्या राइट आंसर होगा? बिल्कुल पर्सनल कंप्यूटर इज राइट आंसर, पर्सनल कंप्यूटर होगा भाई, पीसी होगा, माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड होता है, वन पर्सन एट ए टाइम। क्या होता है? वन पर्सन एट ए टाइम होता है, एक व्यक्ति, यानी कि सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग होता है ये। क्या होता है? सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, टास्क वन, टास्क टू, टास्क थ्री, ये क्या होता है आपका? सिंगल यूजर होता है, क्या होता है? सिंगल यूजर होता है, और सिंगल यूजर क्या परफॉर्म करता है? मल्टीटास्क परफॉर्म करता है। क्या परफॉर्म करता है? मल्टीटास्क परफॉर्म करता है भाई। बात समझ में आई? बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। टैबलेट पीसी इज़ ए टाइप ऑफ, टैबलेट पीसी किस प्रकार का कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर है, सुपर है, मेन मिनी कंप्यूटर है, या फिर मेन फ्रेम है? माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर, कौन सा है? टैबलेट पीसी की बात की, ये कौन से कंप्यूटर का एग्जांपल है? टैबलेट पीसी तो कौन से कंप्यूटर का एग्जांपल है भाई, बताएं। टैबलेट पीसी जो है कौन से कंप्यूटर का एग्जांपल है? लाइक और शेयर वाला मैटर आप देखते रहना भाई, संभाल लेना। लाइक और शेयर वाला मैटर जो है आप संभाल लेना, ठीक है। जो नए जुड़े हैं बिल्कुल वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हर रोज़ रात को 9:30 पर यहाँ पे क्लास शुरू होती है, एमसीक्यू क्लास है ये, और जो है बहुत ही अच्छे स्टूडेंट यहाँ पे जुड़े रहते हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट है, कोई बातें नहीं करता, बिल्कुल अच्छी बात है। ए कह रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है ए, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के और कौन से एग्जांपल हैं? माइक्रो कंप्यूटर का पीडीए भी माइक्रो कंप्यूटर का एग्जांपल है, लैपटॉप भी माइक्रो कंप्यूटर का एग्जांपल है, लैपटॉप पीडीए भी है, लैपटॉप भी है, टैबलेट पीसी आ ही गया, डेस्कटॉप भी इसका एग्जांपल है। क्या? डेस्कटॉप भी इसका एग्जांपल है, और कौन सा है? वर्क स्टेशन भी इसका एग्जांपल है। क्या है? वर्क स्टेशन भी इसका एग्जांपल है। वर्क स्टेशन होता क्या है? वर्क स्टेशन होता है पावरफुल पीसी। क्या होता है? पावरफुल पीसी होता है वर्क स्टेशन। पावरफुल पीसी का मतलब होता है पावरफुल कंप्यूटर, यह भी क्या होता है? वर्क स्टेशन होता है। तो ए इज राइट आंसर, यानी कि वन इज राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर दैट आर पोर्टेबल, जो कह रहा है कि पोर्टेबल होते हैं कंप्यूटर, क्या होते हैं? पोर्टेबल होते हैं, कन्वीनियंट होते हैं, फॉर यूज टू यूज़ फॉर यूज़र्स, जो यूज़र्स ट्रैवल करना जानते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, उनके लिए कंफर्टेबल होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? हाँ भाई बिल्कुल सही बात, अनिल भाकर की भी सुन लियो भाई, लाइक शेयर वाला मैटर संभाल लेना आप, ठीक है ना। तो बताएं भाई क्या होगा, ट्रैवल करना चाहते हैं पोर्टेबल कंप्यूटर उनके लिए कौन से होंगे? सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, लैपटॉप, क्या होगा? क्या होगा भाई? भाई सभी एक बार सभी लाइक का बटन तो ज़रूर दबा दें,
देख ज़्यादा रहे हैं लाइक कम है, ऐसा सुनने में आ रहा है, ठीक है ना। तो क्या होगा, सुपर कंप्यूटर हो गया क्या? ना 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 ना, सुपर कंप्यूटर लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर ने कहाँ उठाए फिरेंगे, सुपर कंप्यूटर ने कहाँ उठाए फिरेंगे। फोर इज़ राइट आंसर, लैपटॉप इज़ राइट आंसर। लैपटॉप को उठा करके कहीं भी ले जा सकते हैं, पोर्टेबल है, क्या है, पोर्टेबल है, बल्कि ईजी पोर्टेबल है, क्या है, ईजी पोर्टेबल है। अरे मिनी कंप्यूटर नहीं, मिनी कंप्यूटर ने कहाँ ले जाएगा, ठीक है, मिनी कंप्यूटर ने ठेक कर ले जाएगा। मिनी कंप्यूटर तो बहुत बड़ा कंप्यूटर हुआ है, ठीक है ना, जो कई विभागों में यूज किया जाता है वो मिनी कंप्यूटर होता है। इसका क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में, 2021 में क्या पूछा गया था, जो वेरियस यानी कि विभिन्न विभागों को जोड़ने में, विभिन्न विभागों को आपस में जोड़ता है, क्या पूछा गया था 2021 में, विभिन्न विभागों को आपस में जोड़ता है कौन सा कंप्यूटर जोड़ता है, विभिन्न विभागों को आपस में जोड़ता है वो कौन सा कंप्यूटर जोड़ता है भाई, विभिन्न विभागों को आपस में जोड़ता है कौन सा कंप्यूटर जोड़ता है, 2021 में पूछा गया था। कौन सा कंप्यूटर जोड़ा है, मिनी कंप्यूटर जोड़ा है, के है, मिनी कंप्यूटर जोड़ा है भाई, ठीक है ना, क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर, कह रहे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर को जाना जाता है, सुपर कंप्यूटर सर्वर मेन फ्रेम पेरिफेरल माइक्रो कंप्यूटर, कमेंट करके बताएं जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताएं भाई। सर जी मैं तो सुपर कंप्यूटर भी साथ में ले जाऊंगा, सुपर कंप्यूटर तो जेसीबी के लिए भी कौन पट्टा भाई, सुपर कंप्यूटर ने तो मैं न्यू समझ रहे हो गए, जेसीबी के लिए भी कौन पट्टा, सुपर कंप्यूटर कंप्यूटर कहते हैं थी। डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर आर ऑल्सो नोन एज डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर, ना ना सुपर कंप्यूटर नहीं, सर्वर काया जैस का सर्वर, लेकिन ये ऑप्शन देख लेंगे, पर माइक्रो कंप्यूटर बिल्कुल सही बात है, माइक्रो कंप्यूटर में ही आ जाते हैं, वर्क स्टेशन और वर्क स्टेशन जो है सर्वर के रूप में काम कर सकता है, ठीक है ना, माइक्रो कंप्यूटर डी इज राइट आंसर, ठीक है ना, माइक्रो बिल्कुल 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 भाई, माइक्रो कंप्यूटर। कंप्यूटर अनुदेशक का बैच जल्द ही स्टार्ट करेंगे, अनु यादव आप पूछ रहे हैं कंप्यूटर अनुदेशक का जो बैच है बिल्कुल जल्द स्टार्ट करेंगे, चिंता ना करो। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज इज ए हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ले यू नया हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया, हैंड हेल्ड टाइप का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ है कि, कमेंट करके बताइयो, हैंड हेल्ड टाइप का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ है। HSSC ने ही बना दिया था एक नया, HSSC ने क्या बना दिया था, एक नया स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया था भाई, स्टैंड अलोन OS बना दिया था, स्टैंड अलोन OS क्या बना दिया था, स्टैंड अलोन OS बना दिया था HSSC ने, एक नया बना दिया था, EBM नया बना गया, हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई हैंड हेल्ड कंप्यूटर तो ठीक है, यू कौन को हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बताओ, बताइयो करिए बात, हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा है। HSSC ने स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया दिया है, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटिव हुआ है, रियल टाइम हुआ है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ है, ठीक है नहीं, और एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ है, लेकिन स्टैंड अलोन भी ले आए, मल्टी यूजर सिंगल यूजर भी ले आए, सिंगल यूजर मल्टी टास्किंग भी ले आए, मल्टी प्रोग्रामिंग भी ले आए, मल्टी प्रोसेसिंग भी ले आए, रिव्यू स्टैंड अलोन हैंड होल्ड भी ले आए भाई। तो हैंड हेल्ड का मतलब है जो हाथ में पकड़े जाने वाली डिवाइस में यूज होगा, जो हाथ में पकड़े जाने वाली डिवाइस में यूज होगा, किस में यूज होगा, PDA में यूज होगा। PDA क्या होता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है, क्या होता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है, क्या होता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है भाई। ये असिस्टेंट होता है ना, सबने असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी नहीं, सबने असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी जब तक हमें जॉब लग जाओगे, तो असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी तो मैंने याद कर लियो, ठीक है ना, डिजिटल असिस्टेंट में तरह बन जाऊंगा भाई, ठीक है नहीं, असिस्टेंट का रूप में तरह काम करे जाऊंगा मैं, ठीक है नहीं, जब जॉब लग जाएगी मैंने बता दियो भाई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन आ जाओ, बताओ भाई, बताओ राधा स्वामी भाई, अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल कंप्यूटर दैट होल्ड कनेक्शन ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम फॉर मैनी PC, जो कई PC के प्रोग्राम को होल्ड करेगा, वर्क स्टेशन एंड अदर कंप्यूटर, इज सेंट्रल कंप्यूटर हुआ, सेंट्रल कंप्यूटर यानी कि बीच में रखे कंप्यूटर हुआ, दैट होल्ड कलेक्शन ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम, बहुत सारे डेटा एंड प्रोग्राम हो फॉर मैनी PC, कई PC के, कई कंप्यूटर के हों भाई, तो कौन से हुआ भाई, तो कह रहा है कि ये सेंट्रल कंप्यूटर है, यानी कि इस कंप्यूटर से सारे के सारे जुड़े हुए हैं, इस कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं सारे के सारे, और ये कह रहा है कि इसके प्रोग्राम को भी होल्ड किए हुए, इसके प्रोग्राम को भी होल्ड किए हुए, और इसके प्रोग्राम को भी होल्ड किए हुए, सबके प्रोग्राम को एक सेंट्रल PC ले रहे हैं, तो कौन है, सुपर कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर लैपटॉप और सर्वर कौन है भाई, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में सेवा देगा वो कौन है, सर्वर होता है, कौन होता है, सर्वर होता है, कौन होता है, सर्वर होता है, तो सर्वर इज राइट आंसर भाई, क्या होता है, सर्वर होता है, सर्वर इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर है सभी का। अरे सुपर कंप्यूटर नहीं विकास भाई, सुपर कंप्यूटर नहीं, सुपर कंप्यूटर तो सुपर डुपर होगा भाई,
ठीक है ना, सुपर डुपर सुपर कंप्यूटर। तो अगला क्वेश्चन देखियो, विच कंप्यूटर इज यूज फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैलकुलेशन। ये कंप्यूटर, ये क्वेश्चन जो है बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, खतरनाक टाइप का क्वेश्चन है भाई, इसका संभल के आंसर देना। संभल के आंसर देना भाई, संभल के। हाँ, लाइक लुइक का बटन दबा दियो भाई, देखते रहियो लाइक लुइक वाला भी, ठीक है ना। चाय पी लियो, चाय पीनी हो तो, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे? देखो, मैंने पहले तसल्ली देता रही कि इस क्वेश्चन ने गलत करने वाले हो, तो मैं क्या करने वाले हो, गलत करने वाले हो। हाँ, दो मोनिका है, दो ही मोनिका, एक मोनी मोनिका, एक मोना मोनिका, एक करिए दो, एक करिए डी शायद। इस क्वेश्चन का आंसर देखो 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 क्या होगा। कह रहे कि जो कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन चलाएगा, कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन चलाएगा यानी कि जो कैड को चलाएगा, किसको चलाएगा, कैड को चलाएगा। कैड किस में चल सकती है? कैड तो मेन फ्रेम कंप्यूटर, सॉरी, कैड तो जो है वर्क स्टेशन में भी चल सकती है। किस में चल सकती है? वर्क स्टेशन भी चला सकता है कैड को। अरे वर्क स्टेशन क्या है? वर्क स्टेशन छोटी चीज़ थोड़ी ना है, वर्क स्टेशन पावरफुल पीसी है भाई। वर्क स्टेशन के है, पावरफुल पीसी है वर्क स्टेशन, छोटी चीज़ ना है। कदे इसने छोटी मोटी चीज़ ले रहे हो। और वर्क स्टेशन क्या हुआ है? वर्क स्टेशन माइक्रो कंप्यूटर हुआ है। वर्क स्टेशन क्या हुआ है? माइक्रो कंप्यूटर हुआ है। वर्क स्टेशन माइक्रो कंप्यूटर हुआ है वर्क स्टेशन, ठीक है। नहीं, माइक्रो कंप्यूटर हो वर्क स्टेशन भाई, तो इसका मतलब माइक्रो कंप्यूटर राइट आंसर है। बिल्कुल राइट आंसर है माइक्रो कंप्यूटर। अगर इसका ऑप्शन में माइक्रो कंप्यूटर ना होता, फिर मिनी कंप्यूटर होता, ये ध्यान रखना। फिर मिनी कंप्यूटर होता, अगर ये ना होता तो फिर ये होता। बात समझ में आई? वर्क स्टेशन को छोटा कंप्यूटर लगा रहे हो क्या? पावरफुल पीसी होता है, साइंटिस्ट और इंजीनियर घर पे यूज़ करते हैं उसको। वो कैड नहीं चलाएगा, वो कैड चलाएगा, कैड चलाएगा तो वर्क स्टेशन ही तो माइक्रो कंप्यूटर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली कॉस्टलियर। कह रहा है कि आमतौर पर इनमें से महंगा होता है। कौन सा महंगा होता है भाई, कौन सा महंगा होता है? यस सर, ठीक है मेरा जी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अगर ठीक है तो भाई बताएं, कमेंट करके बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली कॉस्टली है। कॉस्टली कौन सा होता है इनमें? मेन फ्रेम, लैपटॉप, पर्सनल नोटबुक, सर्वर, कौन सा कॉस्टली होता है भाई? हाँ, थ्योरी क्लास में बताया था, बिल्कुल मेन फ्रेम इज राइट आंसर। कौन सा राइट आंसर है? मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कॉस्टली होता है भाई, महंगा होता है मेन फ्रेम। बिल्कुल राइट आंसर है, सभी का राइट आंसर है मेन फ्रेम, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। द यूज़र जनरली अप्लाइज, यूज़र जो है आमतौर पर अप्लाई करता है खालिस्तान को टू एक्सेस मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। एक्सेस करने के लिए, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए आमतौर पर यूज़र किस चीज़ को अप्लाई करता है? कमेंट करके बताएं। ये क्वेश्चन बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, अच्छे वाला क्वेश्चन है भाई, अच्छे वाला क्वेश्चन है। देखते हैं कौन कौन सही उत्तर कर पाता है, इसका सही जवाब कौन कौन दे पाता है, देखते हैं भाई। सभी का आंसर आना चाहिए, सभी का आंसर आना चाहिए, बिल्कुल। जितने देख रहे हैं लाइक उतने नहीं है, तो लाइक का बटन में कंजूसी ना दबाओ भाई, लाइक का बटन में कंजूसी ना दिखाओ, लाइक का बटन जरूर दबा दियो। जो लेट जुड़े हैं, लाइक का बटन भूल गए हैं, वो एक बार जरूर दबा दें भाई, ठीक है। नहीं क्या होगा, कोई नोड कह रहा है, कोई टर्मिनल कह रहा है, देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। बताओ सारे, बताओ, सबका आंसर आ जाना चाहिए। देखो, बताओगे तो गलत होगा तो कोई बात नहीं, ठीक भी होगा। यहाँ गलत हो जाए कोई बात नहीं, पेपर में गलत नहीं होगा फिर अगली बार, अगली बार पेपर में गलत नहीं होगा। मिनी कंप्यूटर को ध्यान रखो, मिनी कंप्यूटर को मेन फ्रेम कंप्यूटर को, मिनी कंप्यूटर को मेन फ्रेम कंप्यूटर को और सुपर कंप्यूटर को, इन तीनों को जो है एक
टर्मिनल, एक टर्मिनल की सहायता से एक्सेस करते हैं हम इन तीनों कंप्यूटर को, एक टर्मिनल की सहायता से एक्सेस करते हैं इनको, क्यों बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है, टर्मिनल बोला जाता है, क्या बोला जाता है, टर्मिनल बोला जाता है। एक टर्मिनल की सहायता से हम क्या करते हैं, इनको एक्सेस करते हैं भाई, क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। और टर्मिनल कितने प्रकार के होते हैं, दो होते हैं, कौन से होते हैं, एक डंब होता है, एक इंटेलिजेंट होता है, क्या होता है, एक डंब होता है, एक इंटेलिजेंट टर्मिनल होता है। डंब कौन सा होता है, जिसमें ना तो प्रोसेसर होता, ना तो क्या होता, प्रोसेसर होता और ना ही मेमोरी होती, वो कौन सा होता है, डंब होता है, ना प्रोसेसर होता ना मेमोरी होती, डंब होता है। और इंटेलिजेंट कौन सा होता है, इंटेलिजेंट में प्रोसेसर तो होता है, प्रोसेसर तो होता है बट मेमोरी नहीं होती, प्रोसेसर तो होता है बट क्या नहीं होती, मेमोरी नहीं होती भाई, वो क्या होता है, इंटेलिजेंट टर्मिनल होता है। कौन सा टर्मिनल होता है, इंटेलिजेंट टर्मिनल होता है। और इंटेलिजेंट टर्मिनल का एग्जांपल है अपना पीसी। और इंटेलिजेंट टर्मिनल दो प्रकार के होते हैं, कौन से होते हैं, जनरल पर्पज होता है, कौन सा होता है, जनरल पर्पज होता है, और जॉब ओरिएंटेड होता है, क्या होता है, जॉब ओरिएंटेड होता है। जनरल पर्पज और जॉब ओरिएंटेड दो प्रकार के होते हैं, जनरल पर्पज में अपना पीसी आ जाता है और जॉब ओरिएंटेड में आ जाता है एटीएम। अगला क्वेश्चन आ जाओ भाई। पाम टॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज, पाम टॉप जो कंप्यूटर है वो क्या कहलाता है, बताएं भाई पाम टॉप कंप्यूटर क्या कहलाता है। हाँ इंटेलिजेंट को स्मार्ट भी कहते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल। डम स्मार्ट और इंटेलिजेंट तीन टाइप है। नहीं रोनी, दो टाइप हुए, डम और इंटेलिजेंट दो टाइप हुए। वीरेंद्र पूछ रहे हैं थ्योरी क्लास किस टाइम होती है सर, कहाँ पर करवाते हो थ्योरी टाइम। थ्योरी तो मैं कई जगह पढ़ाता हूँ भाई, थ्योरी लिसो पे भी पढ़ाता हूँ, थ्योरी दुरीना पे भी पढ़ाता हूँ, थ्योरी बेटर एनरोल पे भी पढ़ाता हूँ, और थ्योरी लाभ सिंह नैन ऐप पर भी पढ़ाता हूँ। थ्योरी तो कई जगह पढ़ाता हूँ मैं, कहाँ से पढ़नी है आपकी मर्ज़ी है। इसको क्या कहा जाएगा, पर्सनल कंप्यूटर नोटबुक टैबलेट हैंड हेल्ड, जो क्या है पाम टॉप। पाम क्या होता है, पाम होता है हथेली, पाम क्या होता है हथेली होता है, पाम क्या होता है हथेली होता है, हथेली, हथेली पे रखे जाने वाला कंप्यूटर क्या होगा, हैंड हेल्ड होगा, क्या होगा, हैंड हेल्ड कंप्यूटर होगा। राइट आंसर क्या होगा, हैंड हेल्ड होगा, फोर इज राइट आंसर, हैंड हेल्ड भाई, हैंड हेल्ड, ठीक है ना, हैंड हेल्ड होगा, राइट आंसर क्या होगा, हैंड हेल्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, ए डैश इज ए लार्ज, एक बहुत बड़ा है एंड एक्सपेंसिव, बहुत महंगा है कंप्यूटर है, कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग साइंटिफिक एंड बिजनेस एप्लीकेशन। भाई साइंटिफिक एप्लीकेशन और बिजनेस एप्लीकेशन को चलाता है, बहुत बड़ा है, एक्सपेंसिव है, महंगा है, कौन सा है, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मीनिंग, हैंड हेल्ड, क्या होगा। टोटल सर कितने एमसीक्यू कराओगे, कितने दिन में, भाई मेरा ये अट्रैक्ट करने वाला काम नहीं है। कितनी फीस है आपके कोर्स की, एग्जाम मंच वाले पूछ रहे हैं, एग्जाम मंच वाले संदीप सिवाद जी हैं जो है हमारे साथ लाइव में जुड़ चुके हैं, लाइव की शोभा बढ़ा रहे हैं, संदीप सिवाद जी का बहुत बहुत स्वागत है, और अजीत फोगाट जी का बहुत बहुत स्वागत है, और उनके साथ जुड़े विवेक सर का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो फीस जो है वो 299 रुपये से 399 रुपये चल रही है, 399 रुपये फीस चल रही है भाई, कितनी फीस चल रही है, 399 रुपये फीस चल रही है, और ये 15 फरवरी तक है, इसके बाद 15 फरवरी के बाद ये 499 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 499 हो जाएगी भाई, ठीक है ना, क्लियर है बात। हाँ जी हाँ जी, आ जाएं भाई पढ़ें। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, सुपर कंप्यूटर होने वाला है, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, सुपर कंप्यूटर राइट आंसर होने वाला है, बिल्कुल राइट आंसर है, सुपर कंप्यूटर इज राइट आंसर भाई, ध्यान रहे क्या राइट आंसर होगा, सुपर कंप्यूटर राइट आंसर होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, पहला सुपर कंप्यूटर भारत में बना हुआ, पहला सुपर कंप्यूटर पूछा है भाई। कह रहे कि सर टोटल कितने क्वेश्चन करवाओगे और कितने दिन में करवाओगे, सीईटी तक चलता रहेगा सिलसिला, और सिलसिला ये रुकने वाला नहीं है, ठीक है ना, ये सीईटी तक चलता रहेगा, हर रोज़ 50 एमसीक्यू होंगे, चाहे सीईटी तरह 6 साल में हो, रोज़ 50 एमसीक्यू होंगे भाई, ठीक है ना। हर रोज़ क्या होंगे, 50 एमसीक्यू होंगे, चाहे सीटी तेरा 6 साल में हुई भाई, क्या होगा, परम इज राइट आंसर, क्या होगा, परम इज राइट आंसर होगा भाई, परम जो है बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल सही बात है भाई, परम जो है बिल्कुल राइट आंसर है भाई, बिल्कुल 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 राइट आंसर परम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, प्रत्यूष डैश इज फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड,
प्रत्यूष कह रहा है कि पूरा वर्ल्ड में कौन सा नंबर का फास्टेस्ट कंप्यूटर, ये क्वेश्चन बेतुका है भाई, क्वेश्चन बेतुका है वैसे देखा जाए ये, क्यों, क्योंकि प्रत्यूष जो है कंप्यूटर का कोई नामो निशान नहीं है इंडिया में, सॉरी वर्ल्ड में, वर्ल्ड में इसकी कोई पोजिशन नहीं है, ना फर्स्ट है ना सेकेंड है ना थर्ड है ना फोर्थ है, लेकिन इन्होंने दे दिया तो लास्ट वाली चूज़ करेंगे, तो लास्ट वाली चूज़ करूँगा मैं तो, ठीक है ना, इन्होंने दे दिया लास्ट वाली चूज़ करूँगा, ऐसा कोई इसका कोई स्थान नहीं है वर्ल्ड में प्रत्यूष का फिलहाल वर्तमान में, ध्यान रखना ठीक है ना, लेकिन ऑप्शन दे दिए तो लास्ट वाली चूज़ करूँगा, जो आखिरी होंगी वही चूज़ करता मैं, ठीक है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई, प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर इज डेडिकेटेड फॉर, प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर जो है वो डेडिकेटेड है किस चीज़ के लिए बना है, मल्टीमीडिया के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, रिक्रिएशन के लिए, मिलिट्री पर्सनल के लिए, किस चीज़ के लिए बना है भाई, किस चीज़ के लिए बना है ये प्रत्यूष जो कंप्यूटर बना है किस चीज़ के लिए बना है, अच्छा स्क्रीनशॉट ले रहे हो, थोड़ा साइड में हो जाएगा, बिल्कुल भाई बिल्कुल 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 बिल्कुल, नहीं प्रत्यूष ये बताया था इंडिया का सुपर फास्ट है, ये वर्ल्ड का पूछ रहा था क्वेश्चन में, वर्ल्ड का पूछ रहा था, मैंने इंडिया का बताया था कि इंडिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है, ये क्वेश्चन में तो वर्ल्ड का पूछ रहा, संसार का पूछ रहा था भाई, ध्यान रखा करो, ये संसार का पूछ रहा था, तो यहाँ क्या आएगा, वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ होता है प्रत्यूष जो है, थोड़ा बहुत वेदर फोरकास्टिंग के लिए प्रयोग जो है इसका किया जाता है, सेकंड इज़ राइट आंसर, सेकंड इज़ राइट आंसर भाई, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सीखेंगे समझेंगे सबने सुनेंगे और पढ़ते चलेंगे भाई, क्लियर है बात, बताएं भाई यहाँ तक बताओ, किसी ने कोई दिक्कत हो तो, कोई दिक्कत नहीं, वेदर फॉरकास्टिंग बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन देखियो, अगला क्वेश्चन संभालियो भाई, हाँ फर्स्ट रैंक पर जापान का फुगाकू है, बिल्कुल सही बात है भाई, सर पीडीएफ ऐप पर मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी भाई, पीडीएफ ऐप पे मिलेगी, टेलीग्राम पे मिलेगी, थोड़ा टाइम नहीं लग रहा, टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा और ऐप पे भी शेयर कर दूंगा, चिंता ना करो, दोनों जगह शेयर कर दूंगा, ठीक है ना, विद आंसर, दीज आर स्पेशली डिजाइंड कंप्यूटर दैट परफॉर्म कम्प्लेक्स कैलकुलेशन एक्सट्रीमली रैपिडली, कम्प्लेक्स कैलकुलेशन को बहुत तेज स्पीड तक रहे हैं भाई, ठीक है ना, हाँ कोई बात नहीं, कहीं पर ले रखा हो कोर्स वाला कोई मैटर नहीं, कंप्यूटर विद लाभ सिंह नाइन टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लो, कोर्स कहीं भी ले रखा हो, दुनिया पर ले रखा हो, लीशो पर ले रखा हो, बेटर एनरोल पर ले रखा हो, लाभ सिंह नाइन पर ले रखा हो, कोई दिक्कत नहीं, क्या हुआ भाई, लाइक नहीं कर रहे, देख ज़्यादा रहे हैं और लाइक कम है भाई, हद होगी भाई, ये तो कमाल कर दिया भाई आप लोगों ने, ये तो कमाल कर दिया, हर हर महादेव, क्या बात है क्या बात है, देख ज़्यादा रहे हैं लाइक कम है भाई, कमाल कर दिया, ये तो हद होगी भाई, सुपर कंप्यूटर क्या होगा राइट आंसर इसका, सुपर कंप्यूटर इसका राइट आंसर होगा, क्या राइट आंसर होगा, सुपर कंप्यूटर इसका राइट आंसर होगा, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट, इंडिया का पहला मेटाफ्लोप्स, सॉरी मल्टीफ्लोप, इंडिया का पहला मल्टीफ्लोप्स पेटाफ्लोप्स सुपर कंप्यूटर, मल्टी पेटाफ्लोप्स सुपर कंप्यूटर की स्पीड किसमें मापी जाती है, पेटाफ्लोप्स में मापी जाती है, किसमें मापी जाती है, पेटाफ्लोप्स में मापी जाती है सुपर कंप्यूटर की स्पीड, और मल्टी पेटाफ्लोप्स में कह रहे कि एक बनाया है, कौन सा बनाया है, परम है, प्रत्यूष है, परम कौन सा है, लेटेस्ट बुक कब आएगी बता देंगे भाई, जल्दी ही बता देंगे, चिंता ना करें सुखबीर, चिंता ना करें यार, इतने कॉपी पेस्ट ना करें, बताओ लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है ये इंडिया का कौन सा है, जिसकी स्पीड मेटा पेटाफ्लोप में मापी गई है, मल्टी पेटाफ्लोप में, सॉरी मल्टी पेटाफ्लोप्स में मापी गई है, हाँ लाइक लुइक वाला मामला ना कौन संभाल रहा था भाई, आपकी परफॉर्मेंस कम पड़ रही है ठीक है ना, बिल्कुल राइट आंसर है, प्रत्यूष इज राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर है, क्या राइट आंसर है, प्रत्यूष इज राइट आंसर है, बिल्कुल सही जा रहे हो, अगला क्वेश्चन आ जाओ, एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन ए सप्लाई ऑफ, एनालॉग कंप्यूटर वर्क करता है, काम करता है किस चीज़ की सप्लाई पर, कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल पर, प्लसिस पर, या इलेक्ट्रिक पल्स बट नॉट कंटिन्यूस, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ पर, फिजिकल स्ट्रेंथ पर, देखने वाली बात है, सोचने वाला क्वेश्चन है, देखता हूँ ये क्वेश्चन किस किस का सही निकलेगा, देखते हैं क्वेश्चन किस किस का निकलेगा,
ये क्वेश्चन देखते हैं किस किस का सही निकलेगा भाई, बताएं भाई, ये उठाएं यहाँ से। जी, हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं कौन कौन सही देगा। कुछ का आंसर सही आना शुरू हो गया है, राहुल, मोनिका, राहुल, बंटी, अनिल, अनिल भाकर का लाइक पे ध्यान है। अच्छा, ठीक है भाई, मोनिका, संदीप रंगा, ना 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 ना, बात नहीं बनी, बात नहीं बनी, बात नहीं बनी। अरे कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक पल्स पर करता है ना काम एनालॉग, तो कंटिन्यूस होनी चाहिए चीज़ें, क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए, बेसिक से कमज़ोर पड़ जाएं लेकिन होनी चाहिए कंटिन्यूस, क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक पल्सेज होनी चाहिए। तो कंटिन्यूस पे काम करता है, किस पे काम करता है, कंटिन्यूस पे काम करता है। ए इज़ राइट आंसर, यानी कि वन इज़ राइट आंसर, ठीक है नहीं, वन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, सेस्मोग्राफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सेस्मिक ग्राफ जो है किस चीज़ का एग्जाम्पल है, सेस्मोग्राफ जो है किस चीज़ का एग्जाम्पल है, एनालॉग का, डिजिटल का, हाइब्रिड का, या ऑल ऑफ दीज का, सेस्मोग्राफ किस चीज़ का एग्जाम्पल है। सेस्मोग्राफ क्यों है, जिस तरह भूकंपीय तरंगे, माफी जावा भाई, ये वही होता होगा, भूकंपीय तरंगे, भूकंपीय तरंगे मापने वाला यंत्र होगा यू, भूकंपीय तरंग मापने वाला यंत्र होता होगा यू। तो कौन सा हुआ, एनालॉग हुआ, डिजिटल हुआ, हाइब्रिड हुआ, कौन सा हुआ भाई, हाँ डिजिटल में डिस्क्रीट, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, डिजिटल में डिस्क्रीट, बिल्कुल। इसका राइट आंसर क्या होगा, एनालॉग कंप्यूटर होगा, क्या होगा, एनालॉग कंप्यूटर होगा, क्या होगा, एनालॉग कंप्यूटर होगा। सेस्मोग्राफिक जैन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर, जिसमें वेव्स मापी जाती हैं, सिस्मिक वेव्स जो है मापी जाती हैं। ए इज राइट आंसर, कड़े पहुंच रहे हो, अरे ए इज राइट आंसर। ए इज राइट आंसर, हाँ थोड़ी पीछे चल रही है इसमें क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीज कंप्यूटर वर्क्स बाय कैलकुलेटिंग द बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट को कैलकुलेट करके काम करता है, हाइब्रिड, डिजिटल, एनालॉग, जनरल पर्पस, कौन सा होता है। हाँ हाइब्रिड जो होता है वो दोनों का मिक्स होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन पर्टिकुलरली अगर कोई काम दे दिया जाए उसके लिए एनालॉग होता है, पर्टिकुलरली अगर कोई काम दे दिया जाए उसके लिए एनालॉग है। अगर आप कहोगे थर्मामीटर, तो थर्मामीटर देखा जाए तो लेटेस्ट डिजिटल आया हुआ है, लेकिन थर्मामीटर पुराने वाले की बात कर रहा है, तो एनालॉग ही की बात कर रहा है। ये बाइनरी डिजिट पर काम कर रहा है तो किस चीज़ की बात कर रहा है, डिजिटल की बात कर रहा है। और अगर देखा जाए तो फिर बाइनरी कौन सा इसमें नहीं होता, होता है इसमें भी, लेकिन ये पर्टिकुलरली बाइनरी पूछ रहा है, तो हाइब्रिड नहीं कहेंगे, डिजिटल कहेंगे, लेकिन क्या हाइब्रिड में बाइनरी नहीं होता, जबकि दोनों का मिक्स होता है, जबकि दोनों का मिक्स होता है, होता है कि नहीं होता हाइब्रिड में, होता है, ठीक है ना, लेकिन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि डिजिटल आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि पर्टिकुलरली बाइनरी के पूछा है, ठीक है ना। अब बात समझ में आई, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन पे थोड़ा कंफ्यूज थे उनको बात समझ में आई, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन आ जाओ, चूज द ओड वन आउट, ओड वन आउट, ओड वन को आउट कर दो, वही तो बताया मैंने, वही तो बताया मैंने, चूज द ओड वन आउट, इनमें ओड कौन सा है, ओड को आउट कर दो, ओड को आउट कर दो, ओड को, माइक्रो मिनी सुपर डिजिटल नोटबुक, माइक्रो मिनी सुपर, ये तीनों तो एक ही कैटेगरी के हैं, माइक्रो मिनी सुपर ये इन्हीं की कैटेगरी का है, ये कैटेगरी का नहीं है, डिजिटल कंप्यूटर ये अलग है, डिजिटल कंप्यूटर ये अलग है, तो ये इनकी कैटेगरी का नहीं है, ठीक है ना। सी इज राइट आंसर, यानी कि फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर आर यूज्ड इन हॉस्पिटल लाइक ईसीजी और डायलिसिस, ईसीजी और डायलिसिस करने के लिए हॉस्पिटल में कौन से प्रकार के कंप्यूटर प्रयोग हुए हैं, डिजिटल, हाइब्रिड, एनालॉग, माइक्रो कंप्यूटर, कौन से प्रकार के कंप्यूटर प्रयोग होते हैं, डिजिटल, हाइब्रिड, एनालॉग्स और माइक्रो कंप्यूटर, कौन से होते हैं भाई, दिखाना, बताओ भाई कौन सा होता है।
हाँ बीच बीच में जो है संभाल लेता हूँ मैं, कोई बात नहीं। क्या क्या कुछ कमेंट कर रहे हो आप लोग बताओ भाई। बिल्कुल सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। हाइब्रिड हाइब्रिड हाइब्रिड, बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट आंसर है। हाइब्रिड इज राइट आंसर, हाइब्रिड राइट आंसर भाई, हाइब्रिड बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है राइट आंसर, क्या है? हाइब्रिड इज राइट आंसर। पांच तो मिनी के टाइप है। मिनी का टाइप क्या है भाई? मिनी का टाइप कौन सा कर रहा है? गलत क्यों करा भाई, गलत ना करा है। हाइब्रिड इज राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा? हाइब्रिड हाइब्रिड होगा। हाइब्रिड कंप्यूटर इज वन हैविंग द कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ। हाइब्रिड कंप्यूटर वो है जिसमें दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टी, किस किस की, किस किस की? सर एक बार बता दो प्लीज, क्या बताएं? अंकित अंकित क्या बताना, बताओ बताओ क्या बताना है? सुपर और मिनी कंप्यूटर की, मिनी और माइक्रो की, एनालॉग और डिजिटल की, सुपर और मिनी की, नन ऑफ दीज। आसान क्वेश्चन आई थिंक, बहुत आसान क्वेश्चन है। 45 अंकित क्या बताना है? आप जो नए जुड़े लाइक कर दिया भाई। सर अंकित ने क्या पूछा है? कुछ भी नहीं पूछा, बताऊँ तो कि जो जो कि मैं पूछेगा, पहले कुछ पूछ फिर बताऊंगा। हाँ बिल्कुल सही उत्तर है, सही उत्तर है सारे का, बिल्कुल सही उत्तर है भाई। के है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की शामिल हुए हैं दोनों विशेषताएं। तो कौन सी विशेषता है? एनालॉग की क्या विशेषता है कमेंट करके बताएं, एनालॉग की विशेषता क्या है और डिजिटल की क्या विशेषता है, और एनालॉग की कौन सी विशेषता ली है हाइब्रिड ने और डिजिटल की कौन सी विशेषता ली है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं मुझे। एनालॉग कंप्यूटर की क्या विशेषता थी? एनालॉग कंप्यूटर में क्या है? स्पीड है। एनालॉग कंप्यूटर में क्या है? स्पीड है। और डिजिटल कंप्यूटर में क्या है? डिजिटल कंप्यूटर में है एक्यूरेसी। क्या है? एक्यूरेसी है। क्या है? एक्यूरेसी की स्पेलिंग देख लियो भाई, ठीक है ना? एक्यूरेसी क्या हो है? एक्यूरेसी वो है करेक्ट रिजल्ट। क्या हो है? करेक्ट रिजल्ट हो है एक्यूरेसी, ठीक है ना? एनालॉग कंप्यूटर की तो स्पीड खरीद ली और डिजिटल कंप्यूटर की एक्यूरेसी खरीद ली, दोनों को मिला करके क्या बन गया? हाइब्रिड बन गया भाई। क्या बन गया? हाइब्रिड कंप्यूटर बन गया। दोनों को मिला करके क्या बन गया? हाइब्रिड कंप्यूटर बन गया। बात समझ में आई? हाँ, एक की स्पीड ले ली, एक की एक्यूरेसी ले ली, दोनों को मिला दिएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर बन गया। अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जनरल पर्पज कंप्यूटर आर यूज्ड। आम तौर पर कंप्यूटर जो है वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं? क्रिएटिंग ए स्मॉल डेटाबेस, छोटा डेटाबेस बनाने के लिए, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए, अकाउंटिंग के लिए, या सभी के लिए? किस लिए यूज़ किए जाते हैं आम तौर पर? जनरल पर्पज़ जो कंप्यूटर है वो किस लिए प्रयोग किए जाते हैं भाई? हाँ बिल्कुल सही, सही जा रहे हो। एनालॉग की स्पीड, डिजिटल की एक्यूरेसी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली बिल्कुल सही। इसमें क्या होगा? इसका क्या होगा? जनरल पर्पज़ जो आम तौर पर कंप्यूटर हैं वो यूज़ किए जाते हैं, क्रिएटिंग स्मॉल डेटाबेस, छोटा डेटाबेस बिल्कुल बना देगा, छोटा डेटाबेस, कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा, ये तो काम ही है इसका, अकाउंटिंग कर लेगा, कर लेगा भाई, तीनों काम कर लेगा। तो ऑल ऑफ दीज राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि फोर इज राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। किस किस का गलत है यू? ये गलत किस किस का है? ये तो गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन तो गलत किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। जितना ना कोई 1 करोड़ रुपया देवे ना खदरी, 1 करोड़ रुपया देवे तो भी गलत नहीं करना ये क्वेश्चन। बात समझ में आई? जे खदरी ने कहा नहीं 1 करोड़ रुपया देऊँ तो ना मैं ये क्वेश्चन गलत कर दे, तो गलत ना करियो, कदे लालच में जो, ठीक है नहीं, गलत ना करियो। चल अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। विच इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। इनमें से स्पेशल पर्पज कंप्यूटर का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है भाई? कौन सा नहीं है? सर पेटाफ्लॉप का है प्लीज। सर पेटाफ्लॉप का है मतलब? एनालॉग जनरल पर्पज कंप्यूटर के लिए यूज होता है, स्पेशल पर्पज के लिए। हाँ डी। नहीं सर को फिर तो कर दें गलत। बड़े लालची हैं भाई, बड़े लालची हैं, देख ले हैं, बहुत लालची हैं भाई। क्या बात है, क्या बात है, लालच बुरी बला है। विच इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग, वर्ड प्रोसेसर, मल्टी मीडिया कंप्यूटर, ऑल ऑफ दिस थ्री।
स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, कंप्यूटर पूछा है इसने, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर पूछा है, कौन सा नहीं है नहीं पूछा, नोट। अरे नोट को नोट करना बहुत जरूरी है, अरे नोट को नोट करना बहुत जरूरी है, अभी भी नहीं समझ में आया मेरे ख्याल से आप लोगों को, अभी तक किसी का आंसर सही नहीं आ रहा, अभी तक भी आंसर किसी का सही नहीं आ रहा, ई भी गलत आंसर आने लग रहे हैं, ई भी एक आंसर ठीक आया नहीं, कौन बताऊँ फिर किसका आया है, ई दो आंसर ठीक आए हैं, तीन, हाँ मतलब ये तो वही आंसर है, एक और आ गया, बिल्कुल सही है, एक और आ गया गीता का, बिल्कुल सही, बी इज राइट आंसर, यशु पानीपत, यशु पानीपत जिंदाबाद, बी इज राइट आंसर, पानीपत की लड़ाई, बिल्कुल बी, वर्ड प्रोसेसर, अरे वर्ड प्रोसेसर कंप्यूटर थोड़े ना है, अरे ये कंप्यूटर है क्या, ये कंप्यूटर है, ये तो सॉफ्टवेयर है, ये तो वैसे ही पता, ये तो सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर है ही नहीं, ये कंप्यूटर ही नहीं है, वर्ड प्रोसेसर कंप्यूटर बनाए बैठे इसको, अरे ये वर्ड प्रोसेसर है, प्रोसेसर देख के वो मत समझो कि वो वाला प्रोसेसर है, ये वर्ड प्रोसेसर है, इसको कंप्यूटर बना दिया आप लोगों ने, कमाल करते हो छेतीलाल, स्माइल प्लीज, बी इज राइट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड इन ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग, ले बताओ ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग में कौन सा कंप्यूटर प्रयोग हुआ है, बताओ ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग में कौन सा कंप्यूटर होता है भाई, ये तो सोचा ही नहीं, सोचोगे ना तुम, पेपर में बैठे बच्चे सोचोगे नहीं, सोच लो, एमसीक्यू, इसी का नाम एमसीक्यू होता है, देखो एमसीक्यू प्रैक्टिस, यही तो प्रैक्टिस होती है, यही तो चीज़ें जरूरी होती हैं, इसीलिए तो एमसीक्यू बहुत ज़रूरी है, पढ़ने के बाद एमसीक्यू बहुत ज़रूरी है, इसीलिए तो कहता हूँ सारे ने नौंदा दे करो, परिवार वाले ने, अड़ोसी पड़ोसी ने, भाई बहन ने, सगे संबंधी मित्र प्यारे ने, सब ने नौंदा दे करो एमसीक्यू का, एमसीक्यू बहुत ज़रूरी है, अगर एमसीक्यू नहीं किए ना तो समझ लो कुछ कोई फ़ायदा नहीं पढ़ने का, एमसीक्यू बहुत ज़रूरी है। तो विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड इन ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग, एयरक्राफ्ट लैंडिंग में, ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग जो, उसमें कौन सा कंप्यूटर यूज होगा, जनरल पर्पज, सुपर कंप्यूटर, स्पेशल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो तो हुआ को नहीं, जनरल भी को नहीं हुआ है, सुपर ने यू काम रह गया कि स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, चाहे वो मेन फ्रेम हो चाहे कुछ भी हो, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर यूज होगा, बिल्कुल सही आंसर है सभी का, सारे का ठीक है, यू पर्सन सारे का ठीक है, यानी कि एयरक्राफ्ट वाले में पूरा ध्यान है तेरा, ठीक है नहीं, यानी कि एयरक्राफ्ट वाले में तेरा पूरा ध्यान है, ठीक है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग, इमिटेट कर रहा है ब्रेन वर्किंग थी, इमिटेट करता है ब्रेन वर्किंग को, यानी कि दिमाग का जो काम होता है ना उसको इमिटेट, यानी कि उसको कॉपी करता है, यानी कि कॉपी करता है मतलब दिमाग की तरह काम करता है, नहीं समझ लो, जैसे अपना दिमाग काम कर रहा है ना वैसे काम करता है दिमाग, कितनी तेज गति से काम करता है अपना, जो कांटा होता है ना, कांटा, कांटा तो अपने पाँव में चुभता है और संदेश कितनी देर में पहुंच जाता है दिमाग में, ये कांटा चुभा है पाँव में, पाँव को क्या पता है कांटा चुभा है, दिमाग को पता होता है कांटा चुभा है, कितनी देर में पता चल जाता है अगर पाँव में कांटा लग जाए तो, दिमाग को कितनी देर बाद पता चलता है कांटा लगने के बाद, जैसे चुभता है वैसे ही पता चल जाता है, इतनी स्पीड है दिमाग की, तो कह रहे इतनी स्पीड है, कौन सा कंप्यूटर की है, सुपर कंप्यूटर, क्वांटम, परन, आईबीएम, नन ऑफ दीज, नया कंप्यूटर आया है, बिल्कुल सही उत्तर है, नया कंप्यूटर आया है, सुपर कंप्यूटर से भी ऊपर जाने वाला है, सुपर से भी ऊपर जाने वाला है, क्वांटम कंप्यूटर, कौन सा कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर से भी ऊपर की स्पीड वाला है, क्वांटम कंप्यूटर भाई, जो लेट जुड़े हैं लाइक लुइक कर दियो भाई, संभाल लियो, देख लियो एक बार लाइक लुइक का बटन, संभाल लियो भाई, क्या होगा, क्वांटम कंप्यूटर होगा, बात समझ में आई, क्या होगा, क्वांटम कंप्यूटर होगा, जिन्होंने अभी तक नोट नहीं किया इस चीज़ को नोट कर लेना भाई, कांटा लगा, हाँ ठीक है ना, राइट आंसर, इमिटेट करता है ब्रेन वर्किंग को, इमिटेट कर लेता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर आर यूज्ड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स आर यूज्ड, कंप्यूटर कहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं, बैंक में, एजुकेशन में, ऑफिस में, ऑल ऑफ दीज, बताओ, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर ये भी गलत हो गया तो फिर तो इसका मतलब कोई फायदा नहीं आपका, धरती बाणगा
अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो ठीक है ना। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बताओ। अरे कमेंट करके बताओ क्या होगा। सभी में हो सकता है क्या? सारे करें, राहुल रंगा पूनम शिवाद सभी में करें, बिल्कुल ऑफिस में बैंक में सभी में यूज़ करते हैं ना। बिल्कुल राइट आंसर है, इसका मतलब फ़ायदा है तरह धरती पाने का। बिल्कुल सही राइट आंसर है, इसका मतलब आपका कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हुआ धरती पाने का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन कहता है, इट इज़ साइंस दैट अटेम्प्ट्स टू प्रोड्यूस मशीन्स दैट डिस्प्ले द सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दैट ह्यूमन डू। गणेशी टेडी ही वो दे दी इसकी, क्या बोले कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन सी। हाँ लाइक लुक कर दियो भाई, देख लो अनिल बाग करके सुन लियो। यह विज्ञान है जो ऐसी मशीनों का उत्पादन करने का प्रयास करता है जो उसी प्रकार की बुद्धि प्रदर्शित करती हैं जो मनुष्य करते हैं। जैसे काम मनुष्य कर सका ऐसे ऐसे काम कर सका कौन सा कंप्यूटर कर सका भाई। सर फास्ट करवाओ, पिंकी करिए कि नेट खत्म होने वाला है जी। भाई नेट नूट तो डलवा लियो, इब नेट नूट तो डलवा लियो। सिमुलेशन के बाय, अरे कंप्यूटर की बात कर रहा है। साइंस दैट अटेम्प्ट्स टू प्रोड्यूस मैकेनिज्म दैट डिस्प्ले द सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दैट ह्यूमन डू। कौन करता है ऐसा काम? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही तो करती है ऐसा काम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ साइंस, ये एक ऐसी साइंस है जो रोबोट क्रिएट करती है। क्या क्रिएट करती है? रोबोट क्रिएट करती है, बात समझ में आई? रोबोट क्रिएट करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डी इज राइट आंसर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर कौन है कमेंट करके बताइयो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर कौन है कमेंट करके बता दो। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन सी जनरेशन का फीचर है ये भी कमेंट करके बता दो। बताइए भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फादर कौन है और कौन सी जनरेशन का है। बिल्कुल अनिल भाकर, बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर, बहुत बढ़िया उत्तर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिता का नाम तो बता दो। हु इज द बाबू ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? जॉन मैकार्थी, बिल्कुल राइट आंसर। फिफ्थ जनरेशन, फोर्थ नहीं, फिफ्थ जनरेशन। और जॉन मैकार्थी भाई, फिफ्थ जनरेशन और जॉन मैकार्थी, जॉन मैकार्थी भाई, जॉन मैकार्थी, ठीक है ना। फिफ्थ जनरेशन और जॉन मैकार्थी राइट आंसर है भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द डिजाइन कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन एंड यूज ऑफ रोबोट। विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन एंड यूज़ ऑफ रोबोट। रोबोट का यूज कंस्ट्रक्शन और उनके ऑपरेशन जो है किस चीज़ में आते हैं भाई। हाँ भाई, जो लेटेस्ट जनरेशन चल रही है वो पांचवीं जनरेशन थी, टोटल पांच जनरेशन है, पांचवीं जनरेशन अब चल रही है। बिल्कुल राइट आंसर है। क्या होगा राइट आंसर इसका? डील्स विद द डिजाइन, डिजाइन के साथ, कंस्ट्रक्शन के साथ, ऑपरेशन के साथ क्या यूज होगा? रोबोटिक। क्या यूज होगा भाई? रोबोटिक यूज होगा। क्या यूज होगा? रोबोटिक टेक्निक यूज होगी। ए इज राइट आंसर। क्या होगा? ए इज राइट आंसर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाई कंप्यूटर इज, कंप्यूटर के द्वारा बेसिक फंक्शन जो परफॉर्म किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? डेटा प्रोसेसिंग, डेटा स्टोरेज, डेटा मूवमेंट, डेटा कंट्रोल, ऑल ऑफ दीज। डेटा प्रोसेसिंग, स्टोरेज, मूवमेंट, कंट्रोल और ऑल ऑफ दीज क्या कहलाएंगे? बेसिक फंक्शन कह रहा है कि क्या कह रहा है? बेसिक फंक्शन कह रहा है भाई, बेसिक से फंक्शन कह रहा है कि परफॉर्म किए जाते हैं कंप्यूटर के द्वारा वो कौन से होते हैं। गुरु जी प्रणाम, प्रणाम भाई। मोनीश माही, मोनिशा माही, प्रणाम भाई प्रणाम। सबका भी था अच्छा, इससे पिछले वाले क्वेश्चन का, इससे पिछले वाले का बी था। नहीं, उसका ए था, रोबोटिक था, उसका रोबोटिक था। रोबोटिक में आती है सारी चीजें, डील्स विद द डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन एंड रोबोटिक ऑपरेशंस। इसका डी, अच्छा प्रोसेसिंग भी वो है, स्टोरेज भी करा है, मूवमेंट भी करा है, कंट्रोल भी करा है, ऑल ऑफ दीज बिल्कुल बेसिक ऑपरेशन के हैं, ये सारे के सारे बेसिक ऑपरेशन हैं। बिल्कुल राइट आंसर है। अनिल भाकर की भी सुन लियो भाई, या कुइयों की कमेंट लग रही है कारण, ठीक है ना, इसकी भी सुन लियो।
नेक्स्ट डैश फॉर्म द बैकबोन ऑफ फॉर बिल्डिंग सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम, कह रहा है कि ये फॉर्म करता है बैकबोन को बिल्ड करने के लिए, एक बढ़िया तरीके से कंप्यूटर सिस्टम को बिल्ड करने के लिए बैकबोन का काम करता है। कौन? आर्किटेक्चर, मॉडल, इंस्ट्रक्शन या नन ऑफ दिस? इस क्वेश्चन का देखूंगा किस किस का सही उत्तर आएगा। इस क्वेश्चन का देखता हूं सही उत्तर किस किस का आएगा, बताइए भाई। अच्छा, एस एस सी कंप्यूटर का इंजीनियर बनाएगा मानना की, बिल्कुल। इस क्वेश्चन का मैं देखूंगा, मैं एनालाइज करूंगा कौन कौन जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर देंगे, मैं एनालाइज करूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर आने दो, आने दो आंसर, आने दो, मैं देख भी लूँ। टोपी टापी ठीक लग गया ग्रह भाई? हाँ ठीक ठीक लग गया। ए कोई कह रहा है, ए कोई कह रहा है, दो कोई कह रहा है, तीन, दो तीन, ए आना शुरू हो गया। ए ए कोई तीन कह रहा, कोई ए कह रहा, कोई तीन कह रहा, कोई ए, अरे हद होगी भाई। ए इज़ राइट आंसर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर भाई, बेसिक मॉडल जो है, बैकबोन जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर है। कंप्यूटर क्या है? आर्किटेक्चर है, जो बिल्डिंग्स है, जो कंप्यूटर को सक्सेसफुल बिल्ड करने में हेल्प करता है, जो फॉर्म करता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, वो क्या है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर है। ए इज़ राइट आंसर, जिस जिसका ए था वो सही है, जिस जिसका ए था वो सही है। इंस्ट्रक्शन कौन करे भाई? इंस्ट्रक्शन नहीं होता भाई। कंप्यूटर आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर क्या हुआ है? कंप्यूटर यानी कि इस साइड से इनपुट होगा भाई, यहाँ प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग में कौन सी चीज़ें काम आएंगी, फिर आउटपुट क्या होगा, आउटपुट में कौन सी चीज़ें काम आएंगी, यहाँ स्टोरेज होगा और स्टोरेज में कौन सी चीज़ें काम आएंगी। ये जो कंप्यूटर का पूरा आर्किटेक्चर है, यही तो बैकबोन है बिल्डिंग सक्सेसफुल कंप्यूटर के लिए। सर मैं तो थक गई बोल बोल के, कोई बात नहीं, ठीक है ना। कब तक करवाओगे जी? भाई 10:30 बजे, पूरा एक घंटे की क्लास होगी, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है ना, ना कम ना ज़्यादा, पूरी एक घंटे की क्लास होगी, चाहे उसमें कई भी पर्सन हो भाई। फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर, पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई, वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, इन और बाई दोनों बता दो। पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो डेवलप किया गया था, कब किया गया था और किसके द्वारा किया गया था, दोनों बता दो भाई। कब और किसके द्वारा, दोनों बता दो। गूगल करना ना चाहिए, गूगल ना करना चाहिए, बताओ। बी कह रहे हैं, बी। ऐसा माना जाता है कि 1970 में, ऐसा माना जाता है कि 1970 में किसने दिया था? जॉन वॉन न्यूमन ने, जॉन वॉन न्यूमन ने दिया था भाई, ठीक है ना। बेसिक आर्किटेक्चर किसने दिया था? जॉन वॉन न्यूमन ने दिया था भाई, 1970 ऐसा माना जाता है। अगला क्वेश्चन, सिस्टम यूनिट में क्या चीज़ आती है जो इनपुट और आउटपुट में कोऑर्डिनेट करती हैं, वो चीज़ें, या जो कंटेनर हैं जिसमें सारी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट शामिल हुए हैं, एक जगह इकट्ठे हुए हैं वो, या कंबिनेशन हुआ है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, या कंट्रोल और मैनिपुलेट करती है डेटा को, वो सिस्टम यूनिट क्या होती है, बताएं भाई। सिस्टम यूनिट होती क्या है, बताएं क्या होती है सिस्टम यूनिट, याद रखिए। इसने 1970 जॉन वॉन न्यूमन ने, जॉन वॉन न्यूमन ने तो बिल्कुल याद रखे भाई, बताएं भाई। डी देखियो, देखियो इस क्वेश्चन ने, डी गुरमीत तनवर कह रहे हैं ए। अरे सिस्टम यूनिट पूछा है क्या होती है? देखो मैंने कहा, कई बार कहा कि सिस्टम यूनिट का हिस्सा नहीं होती पेरिफेरल डिवाइस, मैंने कहा पेरिफेरल डिवाइस सिस्टम यूनिट का हिस्सा ही नहीं होती, तो सिस्टम यूनिट क्या होती है, सिस्टम यूनिट क्या होती है फिर? कोऑर्डिनेट करती है इनपुट आउटपुट डिवाइस में, सिस्टम यूनिट जो है वो पेरिफेरल डिवाइस का हिस्सा ही नहीं होती, पेरिफेरल डिवाइस सिस्टम यूनिट का हिस्सा नहीं होती, तो इनपुट आउटपुट कहाँ से आ गई इसमें? हाँ कोऑर्डिनेट तो करती हैं,
लेकिन इसके बाद एक ऑप्शन और बचा है, कह रहा है कि कंटेनर होता है दैट हाउसेज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, जिसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हुए हैं कंप्यूटर के, वही तो वह है सिस्टम यूनिट। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का तो कम्बिनेशन बिल्कुल ही नहीं होती, कंट्रोलर मैनिपुलेट डेटा को नहीं करती, ठीक है ना सर। मुझे बैच लेने का बेनिफिट हुआ, पूजा राजपूत, पूजा राजपूत कह रहे हैं कि मुझे बैच लेने का बेनिफिट हुआ, थैंक यू सो मच भाई, चलो बहुत अच्छी बात है, बेनिफिट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल और प्लास्टिक केस, मेटल है और प्लास्टिक केस है दैट होल्ड ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। उल्टा करके पूछ लिया ये क्वेश्चन, पिछला ही क्वेश्चन है उल्टा करके पूछ लिया, अरे पिछला क्वेश्चन है उल्टा करके पूछ लिया, बताइए क्या होगा, इससे पीछे वाला तो क्वेश्चन नहीं है, उल्टा करके पूछ लिया, गलत हो गया जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, अब ठीक होगा। मैंने कहा प्लास्टिक का केस होता है, मेटल का होता है, जो उसमें सारी फिजिकल पार्ट्स कंपोनेंट कंप्यूटर के जुड़े होते हैं, वो क्या होता है सिस्टम यूनिट, सीपीयू, मेन फ्रेम, प्लेटफॉर्म, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर तो होगा नहीं, प्लेटफॉर्म नहीं होगा, मेन फ्रेम नहीं होगा, सीपीयू नहीं होगा, क्या होगा सिस्टम यूनिट होगा। अरे उसी क्वेश्चन को उल्टा करके पूछ लिया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट आंसर है, आप सभी का राइट आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन आ जाओ, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच सर्किट बोर्ड इज यूज फॉर ऑल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सच एज कंप्यूटर, कैलकुलेटर, डिजिटल सिस्टम। कौन सा सर्किट बोर्ड, बढ़िया क्वेश्चन है, देखो कौन सा सर्किट बोर्ड यूज किया जाता है सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए, कंप्यूटर के लिए, कैलकुलेटर के लिए, डिजिटल सिस्टम के लिए, कौन सा सर्किट बोर्ड यूज किया जाता है, प्रिंटर, वैल्यू रजिस्टर आर्किटेक्चर। आसान क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो, समझ में आए तो आसान क्वेश्चन है, और समझ में ना आए तो फिर देख लो, पर मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है ना, बताएं भाई। ए बता रहे हैं इसका, राम वर्मा डी बता रहे हैं, ए ए आना शुरू हो गया है, ए ए और डी, मुकेश सिंह डी भी कह रहे हैं, ए ए डी 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 ए ए ए डी 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 बी 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 ए ए इज राइट आंसर। बाकी तो किसी भी तुके को नहीं बनता, बाकी का तो सर्किट बोर्ड ना प्रिंटर का बनता, सर्किट बोर्ड ना वैल्यू का बनता, ना रजिस्टर का बनता, सर्किट बोर्ड तो आर्किटेक्चर का बनेगा, ए इज राइट आंसर। अरे नहीं आओगा, ए ही तो आओगा, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, द कॉम्पोनेंट दैट प्रोसेस डेटा आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, कॉम्पोनेंट जो डेटा को प्रोसेस करते हैं वो लोकेट होते हैं इनमें से किस में लोकेट होते हैं, इनपुट डिवाइस में होते हैं, आउटपुट डिवाइस में होते हैं, सिस्टम यूनिट में होते हैं, स्टोरेज में होते हैं, एक्सपेंशन बोर्ड में होते हैं, बताएं भाई किस में होते हैं। अनिल भाकर थैंक यू सो मच, कह रहे जी 150 हो गए लाइक, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, अगर ऐसा है तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, लाइक करने वाले आप हो भाई, ठीक है ना, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई। बिल्कुल इसका उत्तर भी सेम सा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ उत्तर गलत आने लग रहे हैं, कईयों का उत्तर जो है गलत आने लग रहा है, कईयों का उत्तर अभी भी गलत। इनपुट डिवाइस का क्या मतलब है भाई, इसमें इनपुट डिवाइस का क्या मतलब है, ये कह रहे हैं कि जो प्रोसेस करता है डेटा को वो कंपोनेंट कहाँ होते हैं भाई, डेटा को प्रोसेस थोड़ी ना करेगा, डेटा को प्रोसेस थोड़ी ना करेगा, डेटा को प्रोसेस थोड़ी ना करेगा, एक्सपेंशन कार्ड डेटा को प्रोसेस थोड़ी ना करेगा, बच गया एक क्या बच गया, वो बच गया सी, यानी कि तीन, सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट राइट आंसर, बिल्कुल भाई बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, हाँ भैया अनु यादव बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, ये भी काम करते हैं, जल्द आ जाएगा चिंता न करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर, इन में से कंप्यूटर की परफॉर्मेंस के लिए एक रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कौन नहीं है, करेगी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसकी वजह से, किसकी वजह से, ऑप्शन है आपके सामने, मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, आप अपने आप बताओ, बताओ बताओ भाई, मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, अपने आप बताओ किसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिस्टम की परफॉर्मेंस पर, किसकी वजह से फर्क नहीं पड़ेगा, मैं पढ़ के नहीं बता रहा, आपने आप पढ़ के बताओ। बताइयो, ए आ रहे हैं, ए सभी का आंसर ए आ रहे हैं,
नंबर ऑफ कीज इन द कीबोर्ड, फॉर्मेट ऑफ वीडियो एंड ग्राफिक वर्ड, मेमोरी ऑफ वीडियो ग्राफिक वर्ड, क्लॉक स्पीड ऑफ कंप्यूटर, नंबर ऑफ कोर अवेलेबल इन द प्रोसेसर। सबका सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर। अरे कीबोर्ड पे कितने की हो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है सिस्टम की परफॉर्मेंस पर, उससे सिस्टम की परफॉर्मेंस को कोई मतलब नहीं, समझ रहे हो। कीबोर्ड पे जब 1000 की हो चाहे 100 की हो चाहे 10 की हो, क्या फर्क पड़ा है, उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश डिवाइस इज एनी डिवाइस दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन विच इज सेंट टू द सीपीयू, जो सीपीयू को सेंट की जाती हैं वो इंफॉर्मेशन होल्ड करती हैं, ऐसी डिवाइस कौन सी, इनपुट आउटपुट सीपीयू मेमोरी। डैश डिवाइस इज एनी डिवाइस दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन विच इज सेंट टू द सीपीयू, जो सीपीयू को भेजी जाती हैं वो कौन सी डिवाइस इंफॉर्मेशन लेती हैं, इनपुट आउटपुट प्रोसेस सीपीयू मेमोरी कौन सी होती हैं। बताएं भाई, बताएं बताएं बताएं। ए इज राइट आंसर जी, ए बिल्कुल राइट आंसर है, ए इज राइट आंसर, इनपुट यूनिट, बिल्कुल। अरे इनपुट होता है, इनपुट होता है जो सीपीयू को भेजेगा। अरे ये सीपीयू है, सीपीयू सीपीयू को तो एक ही व्यक्ति भेज सकता है इनपुट, है सीपीयू को तो इनपुट ही भेज सकता है कुछ ना कुछ, और तो कोई भेज ही नहीं सकता, मेमोरी स्टोरेज का तो मतलब ही नहीं। अरे आउटपुट आउटपुट का तो मतलब है को नहीं, इनपुट यूनिट भेजेगी सीपीयू दे दो, ठीक है। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स एज ए टाइप ऑफ इनपुट, इनमें इनपुट का टाइप कौन सा हो सकता है, इनपुट का टाइप कौन सा हो सकता है, फटाफट आंसर दो, लास्ट क्वेश्चन है। अरे क्वेश्चन लास्ट है भाई, फटाफट आंसर दे दो, इसके बाद जो है फिर अपन सोने का काम करेंगे, ठीक है ना। दूसरे चौटाला की तरह फिर मित्रों सोने का काम करेंगे, ठीक है ना, या पढ़ने का काम करेंगे, रोटी रोटी खाने का काम करेंगे। रोटी तो खा ली मैंने आज, है नहीं, यू आर बेस्ट गुरु जी। ना ना ना, बेस्ट तो मैं तो कहता भाई, बेस्ट हो आप लोग, यू ऑल आर बेस्ट, आई एम नॉट बेस्ट, आई विल बी बेस्ट बिकॉज ऑफ यू, नॉट बिकॉज ऑफ मी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट इंक्लूड ए टाइप ऑफ इनपुट, इनपुट का टाइप कौन सा है, यूजर का रिस्पॉन्स भी उसका, ऑल ऑफ दीज, डेटा भी उसका, प्रोग्राम भी उसका, कमांड भी उसका, यूजर का रिस्पॉन्स भी उसका, ऑल ऑफ दीज इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन ले लो, चलो लास्ट क्वेश्चन, चलो लास्ट क्वेश्चन ले लो, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है ये समझो, लास्ट क्वेश्चन है। इन्फॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स से इन्फॉर्मेशन आती है एंड फेड इनटू कंप्यूटर, और कंप्यूटर में जाती है सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में चली जाती है, वो क्या कहलाता है, इनपुट आउटपुट रिपोर्ट प्रोसेस और थ्रोपुट, क्या कहलाता है भाई, क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है, क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है, इनपुट इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। चलो दो क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी जल्दी ले लेते हैं फटाफट। द यूनिट सेंड्स द प्रोसेस्ड रिजल्ट टू द यूज़र, यूज़र को यूनिट जो है सेंड करती है, प्रोसेस्ड किया हो गया रिजल्ट यूज़र को भेजती है, वो कौन सी होती है, आउटपुट यूनिट, कौन सी आउटपुट यूनिट यूज़र को भेजती है रिजल्ट भाई, ठीक है ना, कौन सी यूनिट भेजती है, आउटपुट यूनिट यूज़र को भेजती है, ठीक है ना। इनपुट यूनिट किसको भेजती है, इनपुट यूनिट सीपीयू को भेजती है, सीपीयू से आउटपुट पे जाता है, आउटपुट से किसको जाता है, आउटपुट से यूजर की तरफ जाता है भाई, किसकी तरफ जाता है, यूजर की तरफ जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आउटपुट यूनिट में क्या क्या शामिल है, प्लूटर, प्रिंटर, मॉनिटर, बिल्कुल सारी चीज शामिल है भाई आउटपुट यूनिट में, प्रिंटर भी आता है, प्लूटर भी आता है, मॉनिटर भी आता है, तीनों ही आउटपुट यूनिट में आते हैं, आउटपुट यूनिट अभी तक करवाया नहीं हमने, ठीक है ना। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, अच्छा रहे। ले भाई लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। दिस कॉम्पोनेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डेटा, ये कॉम्पोनेंट डेटा को प्रोसेस करने के लिए जरूरत पड़ती है, इनटू इंफॉर्मेशन एंड कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, और इंटीग्रेटेड सर्किट का बना होता है। दिस कॉम्पोनेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डेटा, इनमें से कौन सा डेटा को प्रोसेस करता है बस ये बता दो, डेटा को प्रोसेस कौन सा करता है बस ये बता दो, दिखाना एक बार। अरे डेटा को प्रोसेस कौन सा करता है, मैं देखता हूँ मैं बैठता हूँ, मुझे बैठना पड़ेगा, बताओ भाई डेटा को प्रोसेस कौन सा करता है इनमें से, बस एक ही है, अरे एक ही व्यक्ति है प्रोसेस करने का, कम में एक कर सकता है, और तो कोई कर नहीं सकता,
सीपीयू कर सकता है भाई, और कोई काम कर नहीं सकता, ऐसा ऐसा काम किसी के बस की बात ही नहीं है सीपीयू के अलावा, ठीक है ना। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप लाइकिंग एंड कमेंटिंग ऑन यूट्यूब वीडियो। अगर आपका कोई शिकायत है, अगर आपकी कोई सुझाव है, अगर आपकी कोई समस्या है, अगर आपका कोई परेशानी है, कोई सवाल है, तो आप इसी YouTube वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कोई शिकायत, कोई सुझाव, जो भी बात हो आपकी। हाँ, अनिल बाकर की जरूर सुन लियो, ठीक है नहीं। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, जय हिंद भाई, सभी को जय हिंद।